गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। काजलवास में आज हमने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में साधकों को ध्यान करवाया, जिसमें से हमारी बहन को बहुत अच्छे से अनुभूतियाँ हुई। वो अपना नाम भी बताएंगी और आपको अपना अनुभव भी शेयर करेंगी। जय गुरुदेव। बहन अपना नाम बताइए। कमला बोराना। थोड़ा ऊंचा बोलिए। कमला बोराना जी। आप कहाँ से आए हैं? राणावास जी। आज आपने ध्यान किया, आपको कैसा लगा वो बताइए हमें। अच्छा लगा, मन लगा, शांति लगी, आनंद आया। आपके शरीर में कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ अब ठीक होगी, अब तो पता लगा। अच्छा, आप ध्यान कर रहे हैं तो तकलीफ ठीक होने लगी? हाँ, तब ठीक होने लगी है। तो आपको तकलीफ कितने साल से है? अब 1 साल। अच्छा, तो अब जब से ध्यान करते भी आपको 1 साल हो गया, तो उससे फर्क पड़ रहा है आपको। बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह से इस ध्यान को करते रहें और मंत्र जाप को ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना आप ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे, आपको उतनी ही जल्दी उसका असर दिखाई देगा अपने जीवन पर, आपकी सेहत पर। हम कामना करते हैं गुरु जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय गुरुदेव। देखो, ये हमारे दादी जी हैं, इन्होंने भी ध्यान किया था और इनकी अवस्था देखिएगा आप, इनकी उम्र देखिए। और इन्होंने इतनी तारीफ की है इस ध्यान की, उन्होंने बोला मुझे इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा। आप उन्हीं से सुनिए, बोलिए कैसा लगा। कैसा लगा? ऐसा लगा, मन तो अच्छा लगा। मैं तो केवल गुरु गुरु ज्ञान नहीं मत पारो में मोटा महात्मा जी पारो में जन ये बात तो ली कर हमता आ है मन क्यों थोड़े होने एवडा है भगवान रा। हाँ, पारो में जी दुनिया रे मुंड में एक ता ताकि मन अच्छा लगा। जोन तो देखी तुम्हारे आने भेंट करने जाता, जोन तो तुम्हारी सेवा करने जाता और याद नहीं चल हाजिर रहता नहीं जोन तो तुम्हें हमने गरीब की कती जोन डाले। हाँ सर, दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और ऑटोमेटिकली योग होगा। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, गाय की ध्वनि निकले के पीछे क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग।